हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों का सेकंड चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर क्या होता है, हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसको बोला गया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें एक लॉ था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर के अराउंड उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब वो सब क्या प्रोसेस है हम धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कि मैग्नेट क्या होता है। तो आप सबको पता है कि मैग्नेट वो सबस्टांस होता है जो कि आयरन, स्टील, कोबाल्ट या फिर निकल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपने जब भी आपने मैग्नेट को देखा होगा, किसी आयरन के सा चीज़ पर लगाते हैं जिस पर लोहा होता है, उसमें चिपक जाता है। तो बेसिकली मैग्नेट वही होता है। हर एक मैग्नेट में जो होता है वो दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। चाहे कोई सा भी मैग्नेट हो, छोटा छोटा मैग्नेट हो, बड़ा से बड़ा मैग्नेट हो, उसके पास दो ही पोल होगा, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। इस मैग्नेट को आप तोड़ते जाएँ, छोटा करते जाएँ, या फिर इस मैग्नेट को कूट कूट कर पाउडर बना लें, तो उस पाउडर के सबसे छोटा सा कण होगा ना, उसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल मिलेगा आपको। अब जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि लाइक चार्ज रेपल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक वैसे ही इसमें लाइक पोल रेपल करता है और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। कैसे? जो लाइक पोल होगा जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ, जब इन दोनों को एक साथ लेकर आएंगे तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे, रिपल होंगे। ऐसे अगर साउथ और साउथ को एक दूसरे के नज़दीक लेकर आएंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर लगाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, रिपल करेंगे। लेकिन अगर एक नॉर्थ और एक साउथ को पास में लेकर आएंगे जो कि अनलाइक पोल हैं, तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, सॉरी, इससे पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट जान लेते हैं हम कि जो आपका मान लेते हैं ये मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट। हम जब भी मैग्नेट की बात करेंगे इसमें तो कौन से मैग्नेट की बात करेंगे, बार मैग्नेट। जैसे कि ये है ना रेक्टेंगुलर शेप में जो मैग्नेट होता है उसे बार मैग्नेट बोलते हैं। तो कोई बार मैग्नेट है, इसको बीच में रस्सी से बांध कर लटका दें, इसको ना बीच में रस्सी से बांध के इसको लटकाएंगे ना, तो ये अपने आप जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। चाहे जैसे भी अगर आप ईस्ट वेस्ट में अगर करके लटकाएंगे तो अपने आप कुछ देर बाद वो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। वो ऐसा होता क्यों है हमेशा कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को एडजस्ट करता है। ये माना गया है कि जो आपका अर्थ है, जैसे ये अर्थ है सर्कुलर शेप में, इस अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है। ये माना गया है, एक्चुअल में नहीं है ये, एक्चुअल में अलग प्रोसेस होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को बताऊंगा तो 10th के लिए काम का है भी नहीं और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल के ये समझते हैं हम कि ये जो अर्थ है इसके अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसका जो उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है। जो हम अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं ना, उधर की तरफ उस मैग्नेट का साउथ पोल है, और जो अर्थ का हम लोग साउथ डायरेक्शन बोलते हैं उधर की तरफ उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। और ये जो मैग्नेट का एक्सिस है ना, ये बीच से लाइन गई, जो मैग्नेट का एक्सिस है और ये जो अर्थ का एक्सिस है, इन दोनों के बीच में करीब करीब 11.5 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये वो बार मैग्नेट है जिसको रस्सी से बांध कर बीच में लटकाया गया है। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर ले रहा है। तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये अंदर के अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी मैग्नेटिक लाइन अगर हम ले, कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस लेकर आएंगे हम, तो इसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। अब ये सबस्टांस जो है, जो इस तरह से अलाइन कर रहा है अपने आप को, जो सरसे से बांध के हमने लटकाया है इसको ऐसे, वो इस डायरेक्शन में अलाइन कर लिया अपने आप को, तो इधर की तरफ जो होगा, जो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में जो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोला जाता है, उधर की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा जिसको हम लटका रहे हैं, उस मैग्नेट की बात हो कर रहे हैं हम।
और जिस तरफ अर्थ का साउथ डायरेक्शन है, जिसे हम जियोग्राफिकल साउथ बोलते हैं, उधर की तरफ उस मैग्नेट का साउथ पोल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया है कि लाइक पोल क्या करते हैं, रेपल करते हैं, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ वो क्या करेगा, जिस मैग्नेट को लटका रहे हैं उसके नॉर्थ को अपन तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने डायरेक्शन में लाएगा। और जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है वो क्या करेगा, उस मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और अपने डायरेक्शन में ले लेगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा कि जिस भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम सस्पेंड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो वो क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब हम आते हैं ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था वो साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था 1820 में। इन्होंने इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, ये सब सिंपली क्या हुआ कि एक्सीडेंटली ऑब्जर्व कर लिया इन्होंने। ठीक है, कुछ और काम कर रहे होंगे तो इन्होंने क्या देखा कि जब वायर से करंट फ्लो हो रहा था तो एक कंपास निडल था उनके हाथ में, उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। अब कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे उन्होंने क्या पाया कि अगर करंट फ्लो हो रहा था तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उस डिफ्लेक्शन से इन्होंने ये पाया कि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना फील्ड, हमारा एरिया, ये क्षेत्र, वैसे ही होता है ये भी। ये क्या होता है, स्पेस सराउंडिंग या मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड। जैसे कि आपने मैग्नेट को देखा होगा कि दो मैग्नेट ले लें तो वो क्या होगा, जब दूर रहते हैं दो मैग्नेट, अगर बहुत दूर दूर है तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे उनको नज़दीक लेते जाते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होने लगता है। तो नज़दीक ले जाने से क्या होता है, वो उन दोनों को हम एक दूसरे के फील्ड में लेकर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं। तो वहाँ से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एक सिंपल सा स्पेस होता है। अगर कोई एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ का स्पेस होता है, जहाँ तक ये अपना एरिया बनाकर रखता है कि उस एरिया में अगर कोई आयरन आ गया, चाहे कोई और दूसरा कोई मैग्नेट आ गया, उसको अट्रैक्ट या रिपल करेगा, ये उस एरिया के बाहर ये नहीं कर पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड तो बता दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये जान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक बार मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इसके चारों तरफ कुछ एरिया होगा, कुछ स्पेस कवर कर रहा होगा, जिस स्पेस में क्या करेगा, किसी आयरन को या फिर किसी दूसरे मैग्नेट को ये अट्रैक्ट करेगा या फिर रेपल करेगा ये। ठीक है, तो वो एरिया कैसे डिफाइन होता है, वो एरिया डिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि वो कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, कितना वीकली अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, वो सब डिसाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते कैसे हैं, बाहर की तरफ, मैग्नेट के बाहर की तरफ ये नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं ये, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं वो इमेजनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, इमेजनरी लाइन होती हैं, बस इनको कल्पना करके बनाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अब यहाँ पर ये सब जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि ये इमेजनरी लाइंस होती हैं। दूसरी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं और साउथ पोल पे एंड होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल पर आते हैं, आउटसाइड आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, और इनसाइड क्या होते हैं ये, साउथ पोल से निकलते हैं और नॉर्थ पोल पे आते हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये क्लोज्ड कर्व बना रहा है, देखो ये क्लोज्ड कर्व बना लेता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ठीक है, तो मैंने बताया कि वे क्या बनाते हैं, क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी होगा। चौथा क्या है, दे आर क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। देखो ये पोल के पास क्या है, ये दूसरे के क्लोज हैं, पोल पे क्लोज आ जा रहे हैं और पोल से दूर जा रहे हैं, तो ये लाइन जो है थोड़ा वाइडर हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। अब पोल के पास क्या है, क्लोजनेस ज़्यादा है, क्लोजनेस का मतलब इनकी डेंसिटी, नंबर ऑफ लाइंस कुछ एरिया में क्या जा रहे थे, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है लाइन्स की और इधर डेंसिटी कम है। तो हम यहाँ से जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होता है लाइन्स का, जहाँ पर लाइन्स ज़्यादा होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जहाँ पर लाइन्स कम होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम स्ट्रांग होता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगा, पोल्स पर ज़्यादा होगा, और पोल्स का लाभ बाकी क्षेत्र में कम होगा। तो हो गया, दे आर क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। उसके बाद प्रॉपर्टी है, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा क्लोज होंगे, जितना नज़दीक नज़दीक होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा या फिर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होगा, मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन उस एरिया में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पोल्स पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा थी, यानी कि पोल्स पे अट्रैक्शन और रिपल्सन ज़्यादा होगा, और पोल्स के अलावा जो एरिया है वहाँ पे कम होगा। उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, ये लाइन इस लाइन को कभी कहीं कहीं भी कट नहीं करेगी। ठीक है, अगर मान लो कट कर देती है, ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट कर देती हैं, जैसे कि ये मान लो एक ऐसे लाइन जा रहा था, एक ऐसे लाइन चला गया, एक दूसरे को कट कर दिया इन्होंने, तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर, यहाँ तो कंपास अगर लेकर आएंगे तो कंपास क्या दिखाएगा, इधर की तरफ उसकी सुई दिखाएगी, यहाँ रखेंगे तो इधर की तरफ दिखाएगा, लेकिन कंपास को यहाँ लेकर आएंगे तो एक बार इधर दिखाएगा, एक बार इधर दिखाएगा, यानी कि एक कंपास जो है दो डायरेक्शन कैसे दिखाएगा। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कट कर देंगी तो यानी कि वो कंपास क्या होगा, दो डायरेक्शन दिखाएगा एक बार में, तो एक बार में कंपास दो डायरेक्शन दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर कट कर दी तो इस पॉइंट पे जहाँ कट कर रही है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का दो डायरेक्शन हो जाएगा, एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हर एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। वह है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द टू मैग्नेटिक लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन अगर इंटरसेक्ट कर गई तब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, द कंपास नीडल वुड पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। जो कंपास नीडल होगा वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर हमें यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से टच करते हुए, तो ये टच नहीं हुआ, लेकिन टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो टेंजेंट क्या बताएगा, इस पॉइंट पर डायरेक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर वैसे ही, अगर यहाँ पर दो अगर ऐसे कट कर जाता तो यहाँ पर दो टेंजेंट बनता है, एक टेंजेंट इधर तरफ जाता है, एक टेंजेंट इधर की तरफ जाता, तो दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक और फिगर देखते हैं इसका बुक में, तो देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, साउथ पोल की तरफ आ रही हैं, फिर साउथ पोल से अंदर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं, और देखो यहाँ पे पोल्स के पास इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा फील्ड लाइन्स हैं, इधर भी पोल्स के पास ज़्यादा फील्ड लाइन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, और यहाँ पे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स दूर दूर हैं, इनकी संख्या क्या है, इनकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम हो गई हैं, इन यहाँ पर क्लोजनेस कम है, ये नज़दीक नज़दीक नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम लगेगा, और यहाँ पर सब नज़दीक नज़दीक है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर क्वाइल, सोलेनॉइड। तो अगले वीडियो को भी जरूर देखना, उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लें कि वो वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वो वीडियो भी 1 से 2 दिन में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।